हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मेरे चैनल का नाम इंडियन वॉक है। इंडियन वॉक मीन्स इंडियन कढ़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आज आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और आज से हमेशा बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हमेशा बनाऊँगा वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग प्लीज़ साथ दीजिएगा। अगर साथ देंगे तो मैं और वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो इस बारे में बना रहा हूँ, होटल लाइन के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आजकल क्या हो रहा है कि भाई सब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ट्रायल होता है। तो ट्रायल में जब जाते हैं तो उससे पहले वो टेंशन में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, कूल माइंड होके जाएं। जो आपको आता है वो कीजिए। अगर सामने वाले को आपको रखना होगा तो रखेगा, नहीं रखना होगा नहीं रखेगा। आपका काम पसंद आए, जितना आपको आता उतना कीजिए ना आप। आपको जितना पैसा चाहिए उतना मांगिए। ये तो है नहीं कि कोई ये आए कि यार मेरे को रख ही ले तू। आप ये तो ना कह रहे हो कि यार आप रख ही लो मेरे को आता काम चाहिए ना आता। आप इंटरव्यू दीजिए, आपको जो अच्छी चीज़ आती है बनानी अपने डिपार्टमेंट की वो आप बनाइए, और कोई बात नहीं। और उसके बाद पैसों की बात कीजिए। और बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो उन्होंने आपको मेनू दिखाया, उन्होंने बोला दो तीन दिन चीज़ दिखाई और उसमें आपको मेनू में दिखाया ये बना दो। और मेनू में जैसे नाम चेंज हो गया, डिश तो वही है, आपको पता है कि डिश क्या है, पर नाम चेंज कर दिया उस पर डिश में उन्होंने। जैसे कि बहुत सारी जगह कढ़ाई चिकन को मुर्ग चिकन कह देते हैं। इसलिए घबराएं ना आप लोग, उनसे ज़रूर पूछें ये क्या है आपके यहाँ, ये आपने क्या नाम दिया इसको, ये कौन सी डिश है। ठीक है भाई लोगों, ये ज़रूर पूछें आप। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा इस चीज़ के बारे में। और किसी भी भाई लोगों को कोई भी रेसिपी पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, कॉन्टी, पेंट्री, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ की रेसिपी पर बनाऊँगा, उसी चीज़ की रेसिपी में आपको नई वीडियो बना के दूंगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए आप किस चीज़ की रेसिपी पूछना चाहते हैं, रेसिपी पूछिए, मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे बनेगा। ठीक है सर, तो ये है। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जा रहे हैं, तो ध्यान से जाएं भाई लोग बाहर। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड कंसल्टेंसी बहुत बैठी है। दिल्ली में चल जाइए आप, बहुत फ्रॉड बैठे हैं। 8,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, हम आपको कनाडा पहुंचा देंगे, यूरोप पहुंचा देंगे, दुबई पहुंचा देंगे 8,000 में। ₹9,000 की टिकट है दुबई की, भाई लोग बोले कि आपको 8,000 में दुबई पहुंचा देंगे, और पैसे आपको वहां देने हैं। ये कंसल्टेंसी क्या होती है, ये कंसल्टेंसी आपसे पैसा लेगी। आप इन्होंने नई कंसल्टेंसी खोली, 2-3 महीने पुरानी कंसल्टेंसी खोली और इन्होंने उसका एडवर्टाइज किया, आपको मेल भेजी और उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया आपको,
और 8-10 हज़ार रुपये वसूले आपसे, ऐंठे आपसे। और जैसे आपके जैसे वहाँ 100-200 लोग गए होंगे, तो 10 हज़ार का मतलब क्या हो गया, 20 लाख रुपए। बीस लाख रुपए लेके भाई लोग बोल, नंबर नंबर बंद, ईमेल आईडी बंद, वेबसाइट बंद, आप कहाँ ढूंढोगे उन्हें 10 हज़ार के लिए? उन्हें ढूंढोगे या अपना काम करोगे? तो भाई लोगों ध्यान से जाएं बाहर, और कोई भी दिक्कत हो आपको या ऐसा कोई भी वो लगे आपको कि हाँ ये इतना मांग रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस चीज़ के बारे में पूरा बताऊंगा, उस कंपनी के बारे में बताऊंगा। बाहर के बारे में, आउट ऑफ कंट्री के बारे में बहुत स्टडी की है मैंने, साउथ वेस्ट इंडीज़ रह के आया हूँ, जिस कंट्री में रह के आया हूँ वो कंट्री साउथ अमेरिका में पड़ती है, तो मेरे को सब पता है। यूरोप के बारे में पूछ लीजिए आप, दुबई के बारे में पूछ लीजिए, दुबई की टिकट कितने की है, दुबई का वीज़ा कितने का, दुबई का टूरिस्ट वीज़ा कितने का है, आप कुछ भी पूछ लीजिए। और कोई ऑनर लोग हैं, जैसे हमारे कोई भाई साहब नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है रेस्टोरेंट के बारे में, और नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको नया रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे होगा, आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और अगर मैं आपके आप मेरे को कहीं बुलाओगे तो उसका आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ड्यूटी करता हूँ, अपनी ड्यूटी छोड़ के आऊँगा तो आपका आपको पैसा तो देना पड़ेगा उस चीज़ का, उस चीज़ का आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब? और कोई भी रेसिपी हो पूछ सकते हैं, इंडियन चाइनीज़ कॉन्टी। अब कोई शेफ लोग जा रहे हों ओपनिंग कराने, तो किचन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे को, कितना स्पेस चाहिए किचन में, क्या क्या चीज़ लगेगी, कितने फ्रिज लगेंगे आपके, कितनी रेंजेस लगेंगे, कितनी भट्टियाँ लगेंगी, जिस हिसाब से आप पूछोगे उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, कितना आपका बजट है, जिस हिसाब से आपका बजट होगा उस हिसाब से मैं आपको एस्टिमेट बना के दे दूंगा कि आपका इतने इतने में हो जाएगा, ये चीज़ें आपको लानी पड़ेगी। और अगर आप मेरे को अपने जहाँ पे आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं वहाँ पे बुलाते हैं, तो जितने दिन का वो होगा चार्ज होगा उतने दिन का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। और आपको F&B के बारे में पूछना हो, होटल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो आपको, F&B हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, और हाउसकीपिंग हो गया, और किचन हो गया, किचन का कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सेक्शन हो गया, डिपार्टमेंट नहीं होते किचन लाइन, किचन में सेक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट होटल में होते हैं, कभी भी ध्यान रखें। किचन में सेक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, हम लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं बट डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, वो सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन, कॉन्टी सेक्शन, चाइनीज सेक्शन, इंडियन सेक्शन, तंदूर सेक्शन, पेंट्री सेक्शन, बुचरी सेक्शन, और आप लोगों को होटल के जैसे कोई फुल फॉर्म पूछनी हो, होटल की पूछनी हो, F&B की पूछनी हो, और बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे को, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, और किसी भी डिश के बारे में पूछ सकते हैं, मेरी बहन बहनों बहनें भी पूछ सकती हैं, कोई बहन देख रही हो तो भी पूछ सकती हैं।
और आज मैं नई नई वीडियो बना रहा हूँ, आज के बाद हमेशा शाम को नई वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। पर कमेंट में ज़रूर लिखें किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी है मेरे को, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ के बारे में होगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जो भी हमारा व्यूवर्स मेरा व्यूवर्स कमेंट में लिखेगा वही मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको दिक्कत हो रही हो किसी भी चीज़ के बारे में, होटल में कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करिए, मैं आपको उसी चीज़ के बारे में वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।